A very good morning, my dear children. Welcome to my English grammar class. Today we start chapter number 20 and name of this chapter is prepositions. First of all, I will explain you the definition of preposition. A preposition is a word placed before a noun expressing relation with another noun. This relation can be of place, time and position. For example, in, at, on. At noon, midday, night, mid, at 6 o'clock, at जब भी हम time को show करते हैं तो हम लगाते हैं at, या किसी place के बारे में हम बता रहे हैं तो हम लगाएंगे at. In हम वहाँ use करते हैं, in is used with other parts of the day, months, year and season. For example, in 2005, in April, the summer. On, in the morning, after, for noon, afternoon, evening. On is used with days. On Monday, on 10th July. Now, come to the next. On, over, under, above, below. On जब कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ बताते हैं तो हम on करते हैं. Over मतलब या तो उसके ऊपर, over the bridge, तो हम उसको ओवर. अंडर मतलब कोई चीज़ अगर नीचे है तो हम उसको अंडर यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अबव द शूट इज़ अबव द ग्राउंड. तो अबव हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं. अबव द ग्राउंड, ऊपर के साइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर. बिटवीन जब दो चीज़ों के बीच में हम बात करते हैं तो हम बिटवीन लगाते हैं. अमंग, ज़ारा इज सिटिंग अमंग बॉयज़. अगर दूसरा वर्ड प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वहाँ पर हम लगाएंगे अमंग. लेकिन दो लोगों के बीच में बात चल रही तो वो यूज़ बिटवीन. बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ मदर. इन और इन टू. इन कोई चीज़ अगर अंदर है तो वी यूज़ इन. द कैट इज़ जम्प इन टू द टब. अगर हम कोई चीज़ अंदर की तरफ बता रहे हैं कि वो अंदर जा रही है तो हम यूज़ करेंगे इन टू. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1. अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. फादर इज़ नॉट एट होम. तो यहाँ पे होम जो है प्लेस का बताया, तो हम एट जो है प्रपोजिशन है, सो वी अंडरलाइन. ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे. उसने कल से कुछ नहीं खाया. सिंस मतलब कल से, मतलब बहुत पहले से बात हो रही है. ही वॉज अमंग द क्राउड. यहाँ पे क्राउड मतलब भीड़, तो हमने लगाया अमंग. इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करना है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द वर्ड्स गिवन अलोंग आउटसाइड. अब आपको ये पिक्चर दिख रहा है, आपको इस पिक्चर को देख के इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. देयर इज़ अ डॉल इन द कबर्ड. इट्स बिटवीन क्लॉक एंड रेडियो. अब जो क्लॉक और रेडियो के बीच में, क्लॉक एंड रेडियो के बीच में डॉल है, तो हमने लगाया बिटवीन. देयर इज़ अ काइट अंडर अ डॉल. जो काइट है वो डॉल के नीचे है, सो वी यूज अंडर. इस तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट करनी है. एक्सरसाइज नंबर 2 जैसे हमने करी है वैसे ही सेम एक्सरसाइज नंबर 3 है. अब आपको इस पिक्चर को देख के एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट करनी है. लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री. देयर इज़ अ बाईसाइकिल बिहाइंड द चिल्ड्रन. ठीक पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे. देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल. देयर इज़ अ डॉग अंडर द टेबल. सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. नाउ कम टू द एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी, पेयर वर्क. दिस इज़ एन एक्टिविटी. अब आपको जो पिक्चर दिख रहा है आपको उसको देख के कुछ सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन उन सेंटेंस में अंडर, मतलब प्रपोजिशंस अंडर, एट, इन टू, ये सब आना चाहिए. द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री. द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. द सन इज शाइनिंग इन द स्काई. क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ बेंच. सो हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 20. थैंक यू.